भारत और श्रीलंका के मैच की अगर बात की जाए तो 11 साल बाद मुंबई में होगी भारत और श्रीलंका की टक्कर। जय दोस्तों, आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम की अगली टक्कर श्रीलंका के साथ है। ऐसे में भारतीय टीम ने अब तक इस मुकाबले में, इस आईसीसी वनडे 2023 के मुकाबले में दोस्तों अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक भी मुकाबला भारतीय टीम ने नहीं गवाया और 6 के 6 मुकाबले भारतीय टीम ने जीत रखे हैं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और दोनों टीमों की मुलाकात आज से 11 साल बाद इस मैच में खेलने उतरेगी दोनों टीमें। ऐसे में दोस्तों 11 साल बाद जब ये मुलाकात एक बार फिर से होने जा रही है इन दोनों टीमों के बीच में, इससे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे अंतिम मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच में 14 सितंबर को खेला गया था, जो कि एक फाइनल मुकाबला एशिया कप 2023 का था। उसमें श्रीलंका को बहुत ही तगड़े तरीके से भारतीय टीम ने हरा दिया था और मात्र 50 रनों पे ऑल आउट कर दिया था। ऐसे में दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे इस वीडियो के दौरान, लेकिन अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। या दोस्तों आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का 7वां मैच श्रीलंका के साथ है और दोनों टीमें इस मैच के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टकराएगी। भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है। भारत और श्रीलंका की टीम 11 साल बाद एक बार फिर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलने उतरेगी। आखिरी बार दोनों टीमों की टक्कर साल 2011 वनडे विश्व कप के फाइनल में हुई थी और भारत चैंपियन बना था। ऐसे में आइए जानते हैं इन 11 सालों बाद कितनी बदल गई है भारत और श्रीलंका की टीम। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। 2011 विश्व कप के सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने विश्व कप 2011 जिताया था, तो इस बार भारतीय टीम में ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो भारतीय टीम को 2023 का विश्व कप का मुकाबला जिताने वाले हैं। तो इस बार दोस्तों वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सामने टीम इंडिया ने किया है संघर्ष और आंकड़े दे रहे हैं गवाही कि रोहित ब्रिगेड को रहना होगा सतर्क। वर्ल्ड कप 2023 में जीत का सिक्सर लगा चुकी है टीम इंडिया। अपने अगले मुकाबले में श्रीलंका से जब भिड़ेगी तो रोहित की पलटन का प्रदर्शन अब तक टूर्नामेंट में जोरदार रहा है। बल्लेबाजों में रोहित शर्मा और कोहली ने रंग जमाया है तो गेंदबाजी में दोस्तों शमी और बुमराह की जोड़ी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटी है। हालांकि विश्व कप में भारतीय टीम को हमेशा से ही श्रीलंका से कड़ी चुनौती मिली है, लेकिन इस बार दोस्तों भारतीय टीम ने पहले ही श्रीलंका को जहां पे मात्र 50 रनों पे ऑल आउट किया हुआ है, ठीक वहीं भारतीय टीम का पलड़ा इस बार भारी रहेगा। वर्ल्ड कप 2023 में जीत का सिक्सर लगा चुकी टीम इंडिया अपने अगले मुकाबले में श्रीलंका से जब भिड़ेगी तो रोहित की पलटन का प्रदर्शन अब तक टूर्नामेंट में जहां पे जोरदार रहा है। बल्लेबाजों में रोहित शर्मा, विराट कोहली और गेंदबाजों में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने कहर बरपाया है। हालांकि विश्व कप में भारतीय टीम को हमेशा से ही जब श्रीलंका से खतरा रहा तो ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच में जब ये मैच खेला गया तो दोस्तों अब तक 9 बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरी है दोनों टीमें। इसमें से 4 में जीत टीम इंडिया के हाथ लगी है तो इनमें से ही 5 मैचों में जीत श्रीलंका ने जीती है। दोस्तों एक मैच का कोई नतीजा नहीं रहा जहां पे 4-4 मैच दोनों ने जीत रखा है, यानी विश्व कप के हेड टू हेड आंकड़े साफ तौर पर यह कहानी बयां कर रहे हैं कि श्रीलंका भारतीय टीम के लिए हर बार टूर्नामेंट में चुनौती पेश करती रही है। वनडे के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो 167 बार भिड़ी है दोनों टीमें, जहां पे 98 मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है और 57 मैचों में श्रीलंका ने मोर्चा मारा है। तो दोस्तों यहां से ये बात बताइए कि भारतीय टीम इस मैच में जीत पाएगी क्या? दोस्तों रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर से गूंजेगा क्या? विराट कोहली एक बार फिर से अपना 49वां शतक लगा पाने में कामयाब हो पाएंगे? तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारतीय टीम इस मैच को जीत कर लगातार अपना 7वां मैच जीत पाएगी या नहीं।